बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। आइडेंटिटी का क्या होगा? तो नीतीश बाबू ने क्या किया था बिहार में? बिहार की चर्चा करते थे, बिहारी अस्मिता की बात करते थे, बिहारीपन की बात करते थे, बिहार के सब नेशनलिज्म की बात करते थे। और अब क्या हुआ? बिहार को आपने बिल्कुल टुकड़े 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 में बांट दिया, सबको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। तो जिस बिहारी अस्मिता की आपने शुरू से ही 2005 में जब बने थे तो बिहार दिवस मनाया, बिहार में लोगों में कि भाई बिहारीपन जगे, लोग बिहार के बारे में सोचें, अब आपने सबको बिल्कुल एक तरह से मजबूर कर दिया है कि अपने बारे में देखो, अपनी जाति को देखो, कितनी संख्या है। तो बहुत बड़े जो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, मैंने बताया था कि 190 से ज़्यादा जातियाँ हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, सब लोग किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से उनको लग रहा है कि मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस है, जब एक जनगणना, इस प्रकार की जाति जनगणना नहीं होती। अब यही नीतीश बाबू जमात की बात करते थे पहले, बहुत ही पिछड़ा समाज, पूरा का पूरा अनुसूचित जाति का समाज, और आप क्या कर रहे हैं? आप जमात से समाज की तरफ बढ़ते, समाज की तरफ पूरा प्रदेश आता है, फिर देश आता है। आखिर राष्ट्रभक्ति होगी कि नहीं, प्रदेश भक्ति होगी कि नहीं? और यही देखिए फर्क है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं, हमारा वैज्ञानिक जब जाता है चांद पर, कोई पूछता है तुम किस जाति के हो, और नीतीश बाबू सबको गिनवा रहे। तो भाई बिहार को आपने जो भी मॉडल दिया है वो ऐसा मॉडल दिया है कि उसे जो बिहारीपन है ना, उसको बहुत आघात हुआ है। ये उनके पुत्र क्या कहते हैं उसमें से मैं नहीं खुद देख लेंगे, एक बात मैं बता दूं, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक की हैसियत बराबर होती है। और जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा ना, वो एक देखिए जिसको कहते हैं ना उपमा के रूप में कहा जाता है, उपमा जो दिया जाता है, कैंसर का मतलब क्या होता है कि एक बीमारी, सामाजिक बीमारी। भाई आप क्या है, आप लोगों के एजेंडा में दिन भर क्या रहता है? दिन भर जात के नाम पर ये बिखराव कराना। तो कैंसर बीमारी की बात नहीं, कैंसर एक सोच है कि भाई आपकी कैंसरस सोच है, मतलब कि आप समाज में अंदर से एक घुन लगा करके समाज को समाप्त करना चाहते हैं। और जो जिनका बयान उनके बेटे का आता है, तो देखिए हैसियत तो मैंने बता दिया कि उनकी हैसियत इसलिए है कि आप उनके आज बेटे हैं, और बिहार में ही तो परिवारवाद वालों का और वंशवाद वालों का, कि आप क्या हैसियत बताते हैं? हैसियत तो भाई लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके कोई भी पद देती है उसकी हैसियत है। देखिए बात है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, उनके नीतीश बाबू से अच्छे संबंध रहे हैं, तो 5 सीट बता रहा, मैं तो बता रहा हूँ जीरो, जी इनको जीरो मिलेंगे, कहाँ से सीट पा जाएंगे? एक भी सीट नहीं मिलना। पिछली बार जीत गए, भारतीय जनता पार्टी मजबूती से थी, लोजपा मजबूती से थी, तो ये जीत गए, अब जरा चले ना चुनाव में, पता चल जाएगा। ये जनगणना का सब है ना, पूरे के पूरे आंकड़े को संदिग्ध कटघरे में खड़ा कर देता है। सब समाज को लगता है कि मेरी इतनी आबादी है, और मैंने तो यही ना कहा कि जरा बताइए भाई, अगर आप पूरा देखिएगा तो 49 ऐसी जातियाँ हैं जिनकी आबादी बिहार में 50,000 से कम है, वो भी जो है ना साहब, वो भी संदेह, जो आंकड़े दिए गए ना, वो संदेह के घेरे में। लोगों को लगता है कि सर ठीक से जनगणना हुई नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी गणना ही नहीं हुई है। तो भाई आप इस तरह का जो काम किए हैं, तो उससे किस बिहार को फ़ायदा हुआ, कौन से बिहारी को फ़ायदा हुआ? मैंने जिस बात की चर्चा की कि भाई आप चर्चा क्या करते थे कि हम बिहार में न्याय के साथ विकास करेंगे, और अब क्या रहा? बिहार को तो आप पूरा विनाश की ओर ले जा रहे हैं, और मॉडल आपका बिखराव का है, चीज का फायदा होता है क्या? निगेटिव तो नीतीश जी कुछ तो फायदा देखे होंगे इसमें अपना। अरे नीतीश जी सिर्फ अपना, नीतीश जी फायदा देखते अपनी कुर्सी का। देखिए एक मैं बता दूं जी, भाई इन लोगों को लगता है कि यूरेका कुछ मिल गया, आपने बता दिया ना कि ये आप ये जाति, आप ये जाति, आप ये जाति, तो उसे कोई वोट दे देगा आपको जी? आपको बताना पड़ेगा कि बिहार में जो लोग बेरोजगार है, चाहे वो किसी जाति से है कि नहीं, नीतीश बाबू बताएं कि भाई उस जाति में कोई बेरोजगार नहीं है। तो भाई जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, बिहार में इस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति है, सब लोग सुरक्षित नहीं है, तो मुद्दा तो ये ना होगा। लेकिन अभी देखिए मैंने क्या कहा, नीतीश बाबू ने इनका क्या जो पूरा का पूरा मैनिफेस्टो में कभी था जी जेडीयू का, ये तो मैनिफेस्टो था उनका आरजेडी का, तो नीतीश बाबू तो आज उनके गोदी में खेल रहे हैं ना। और देखिए चुनाव में उनको पता है कि लोगों का मन भटकाना, भाई बिहार के लोग यही नहीं पूछ रहा है कि नीतीश बाबू 2020 में हमने आपको मुख्यमंत्री के पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुना था, लेकिन आपने जो है पूरा का पूरा जो मैंडेट है जनादेश के साथ विश्वासघात करके चले गए, तो सोच रहे हैं कि भाई लोग उसको ना पूछें, तो एक से एक रूप से गुफा छोड़ते रहते हैं। इन फायदा क्या होना, किसी को नहीं फायदा होना, बता एनडीए करना है जी, या तो सब जाति करिए,
कुछ जाति को तो आप मिला दे रहे हो और कुछ को बिल्कुल अलग अलग कर दे रहे हो। जदयू सांसद का कहना है कि किनका किनका बोल रहे हैं आप? जदयू का कहना है कि इंडिया की बनती है केंद्र में सरकार तो हम लोग। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार TV को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।